वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हेल्थ अवेयरनेस सीरीज में वापस हमारे साथ है डॉक्टर अनीता शाह, जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। और जैसे कैंसर वीक था और हमने ये जो सीरीज की है उसमें अभी तक कितने सारे प्रकार के कैंसर होते हैं, उसमें से कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर कैसे होता है और ख़ास करके महिलाओं में जो विविध प्रकार के कैंसर होते हैं उसमें किस तरह से महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, कैंसर है तो किस प्रकार की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ये सब बातें हमने ये सीरीज़ में की है। और अगला जो हमारा एपिसोड था फ्राइडे को, वो था स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर पे, ब्रेस्ट कैंसर पे एपिसोड था हमारा। और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमने बहुत कुछ ऐसी जानकारी दी ताकि महिलाओं में वो अवेयरनेस आए और वो अपने आप को केयर रख सके अपनी आप की और कैंसर से बचे। ऐसी हमने बहुत सारी बातें यहाँ से बताई थी, मार्गदर्शन दिया था अनीता जी ने। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो भी कैंसर के टॉपिक पे ही है, क्योंकि हमने कहा कि महिलाओं के विविध प्रकार के कैंसर होते हैं महिलाओं को, और आज अभी के सिचुएशन में काफ़ी लोगों को कैंसर की जिस तरह से बात करते कि बढ़ा हुआ है महिलाओं में कैंसर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि गर्भाशय के अंदर जो कैंसर होता है तो उसी के लिए हम आज बात करेंगे। और दूसरी ओवेरियन कैंसर और अंडाशय का जो कैंसर होता है उसी के लिए हम आज बात करेंगे और उनमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए वो हम बात करने वाले हैं। तो अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे कार्यक्रम के हेल्थ अवेयरनेस सीरीज में। और सबसे पहले मेरा क्वेश्चंस रहेगा कि जिस तरह से ये जो कैंसर की सीरीज चलती है तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस भी भेजे हैं, तो जिस तरह से उन्होंने उनके मन में जो प्रश्न है वो आज हम दर्शकों को बताएंगे कि जो कैंसर की हम बात करते हैं कि जो था कि गर्भाशय की दीवार का जो कैंसर है वो क्या है, उसी के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यामिनी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग कैंसर प्रिवेंशन एंड कैंसर ट्रीटमेंट। जी, अगले दो एपिसोड में हमने सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुख का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर बारे में जानकारी दी। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोमेट्रियल कैंसर यानी गर्भाशय की दीवार का कैंसर और ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर। गर्भाशय की दीवार का कैंसर जो है उसको एंडोमेट्रियल कैंसर बोला जाता है और ये नंबर 3 पे है। जो लेडीज में कैंसर्स कॉमनली होते हैं उसमें गर्भाशय की दीवार का कैंसर यानी एंडोमेट्रियल कैंसर ये तीसरे नंबर पे है। और ऐसा देखते हैं तो हर वर्ल्ड में लगभग उसका इंसिडेंस हम देखें तो हर साल में 4 लाख जितने नए केस एंडोमेट्रियल कैंसर के पाए जाते हैं और उसमें से डेथ रेट लगभग 70,000 पर ईयर होता है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर जस्ट लाइक सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। जी, अभी हम दर्शकों को ये एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क फैक्टर कौन से है यानी जोखमी परिबल कौन से है उसके बारे में जानकारी देंगे। जो एंडोमेट्रियल कैंसर है उसमें एक्सेस इस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है और एक्सेस इस्ट्रोजन की वजह से ये होता है। तो जिस महिला में मासिक स्त्राव यानी कि माहवारी जल्दी छोटी उम्र में शुरू होती है और जिसका मेनोपॉज लेट एज में आता है इसमें ये कॉमनली पाया जाता है। उसके साथ साथ जो महिलाओं में ओबेसिटी यानी ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, डायबिटीज़ होता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, ऐसे केस में भी एंडोमेट्रियल कैंसर पाए जाते हैं। साथ साथ में जो महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी वंध्यत्व होता है, जिन्होंने अपने बच्चे को फीडिंग नहीं करवाया है, वैसे पेशेंट में भी ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। सो आजकल ये एंडोमेट्रियल कैंसर के भी ये बहुत सारे जोखमी परिबल है और
हमको अपनी विच फैक्टर्स वी कैन डू प्रिवेंशन बाय आवर सेल्व, दैट इज हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसके जरिए हम अपना डाइट, अपना न्यूट्रिशन पूरा पूरा अच्छी तरह से मेंटेन कर सके और हम एक्सरसाइज के जरिए अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन ला सके। सो ये मेनली एंडोमेट्रियल कैंसर के जोखमी परिबल है। अभी जो स्त्रियों ने मेनोपोज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी ज़्यादा लंबे समय के लिए लिया हो, या तो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में अमुक प्रकार की स्पेशली टेमोक्सिफेन करके मेडिसिन ली हो, या तो जिसके फैमिली में गर्भाशय की दीवार का या तो अंडाशय का या कोलोन कैंसर की हिस्ट्री हो, ऐसे लोगों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। सो मेरी दर्शक मित्र को नम्र विनंती है कि अगर आपके फैमिली में इस प्रकार के कैंसर की हिस्ट्री है तो यू शुड ऑलवेज गेट योर सेल्फ चेक्ड एंड स्क्रीन शुड बी डन। जी 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 जी। तो दर्शक मित्र, मैं बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह से अनीता जी, जो डॉक्टर अनीता शाह हमारे साथ है और सूरत की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है और काफ़ी उनके उन्होंने रिसर्च किया है, और जो महिलाओं की कैंसर की जब बात आती है, महिलाओं बहुत महिला मतलब महिला की जब बात करते हैं तो परिवार में उलझी रहती है लेकिन कभी कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि गर्भाशय में अगर कैंसर होता है तो उसी के बारे में हम ये बात कर रहे थे कि गर्भाशय की दीवार का कैंसर क्या है, उसके जोखमी परिबल क्या है और किसमें ये पाया जाता है, वो अनीता जी ने बताया। और आगे हम बात करेंगे कि मैम, ये गर्भाशय की दीवार का जो कैंसर है वो आपने बताया कि किस तरह से होता है, पाया जाता है और उसका परिबल क्या है, लेकिन हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है। राइट। कोई भी बीमारी की तरह इसमें भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन सिम्टम, मीन्स मासिक स्त्राव हम सब जानते हैं कि यूजुअली 28 टू 30 डेज पे नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें 28-30 दिन के बाद पीरियड आता है और यूजुअली ये 4 to 5 डेज रहता है। इफ़ ये मासिक समय दरमियान जो ब्लीडिंग होता है उसके अलावा अगर इन बिटवीन कभी भी ब्लीडिंग होता है तो दैट इज यू हैव टू ऑलवेज गेट इन्वेस्टिगेटेड। एक इसका सिम्टम एंडोमेट्रियल कैंसर का ये पाया जाता है, माना जाता है। जी, जी, जी। दूसरा, कभी आपको मान लो कि आपको मेनोपोज आ गया है तो मेनोपोजल एज के बाद अगर आपको बाद में फिर से अगर ब्लीडिंग होता है तो उस केस में भी हम एंडोमेट्रियल कैंसर की संभावना गिन सकते हैं, हो सकती है। या तो आपको संभोग करने के बाद ब्लीडिंग होता है, या तो आपको किस प्रकार का ब्लडी डिस्चार्ज होता है, तो हमेशा हमको एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में भी सोचना चाहिए, ऑफ कोर्स अलोंग विद सर्वाइकल कैंसर। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। और एक वेट लॉस होता है, कई बार ऐसा होता है कि कई लेडीज में ऐसे ही वजन कम होने लगता है और दे डोंट बॉदर फॉर इट कि अभी तो चलो मैं डाइट करती हूँ या मैं खाना नहीं खाती हूँ बराबर, उसकी वजह से ऐसा होता होगा, बट वेट लॉस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम फॉर दिस एंडोमेट्रियल कैंसर। और इसके डायग्नोसिस के बारे में दर्शक मित्र को जानकारी दे यामिनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज सोनोग्राफी उसके जरिए किया जाता है। और इसीलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो हम जो PSPV परस्पेक्युलम एंड परवजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें अगर गर्भाशय के मुख पर से कोई ब्लीडिंग होता है तो हमको वो रूल आउट करना होता है कि वेदर इट इज ड्यू टू द एंडोमेट्रियल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। दूसरा, सोनोग्राफी के जरिए, सोनोग्राफी में जब हम सोनोग्राफी स्पेशली ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें गर्भाशय की दीवार की थिकनेस हम मापते हैं। अगर मेनोपोजल एज में इफ इट इज मोर देन 5 mm तो वी हैव ऑलवेज टू रूल आउट दैट देयर मे बी चांसेस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। तो हमेशा हम जब भी किसी पोस्ट मेनोपोजल औरत की गर्भाशय की दीवार की थिकनेस ज़्यादा होती है, या तो किसी को मेनोपोज आ गया हो और उसके बाद में उसको वापस ब्लीडिंग होता है, और ऐसे केस में अगर उसकी गर्भाशय की दीवार थोड़ी ज़्यादा थिक पाई जाती है तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं। उसका कन्फर्मेशन लेकिन किया जाता है बाई डूइंग हिस्ट्रोस्कोपी इन
एंडोमेट्रियल बायोप्सी, तो हिस्ट्रोस्कोपी मीन्स जैसे एंडोस्कोपी यानी किसी प्रकार का दूरबीन से जो जांच करते हैं उसको एंडोस्कोपी किया बोला जाता है, जो गर्भाशय को नीचे से गर्भाशय की कैविटी को देखा जाता है वो हिस्ट्रोस्कोपी उसको बोलते हैं। और हिस्ट्रोस्कोपी के जरिए हम गर्भाशय के मुख से गर्भाशय की कैविटी में अंदर जाके अंदर की पूरी रचना देख सकते हैं। अगर उसमें गर्भाशय की दीवार ज़्यादा थिक है, उसमें कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है, कुछ पॉलीप है, वो हम पा सकते हैं। और उसके बाद में वो हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा देखने के बाद हम उसका बायोप्सी लेके उसको लेबोरेटरी में चेक करवाते हैं। जी जी जी। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मेजर। जी। और अकॉर्डिंग टू द वेरियस टाइप्स, कभी कभी एक पेपटेस्ट के द्वारा भी हम ये एंडोमेट्रियल कैंसर का एक्सटेंशन गर्भाशय के मुख की ओर नहीं हुआ है वो जानने के लिए हम पेप टेस्ट भी करते हैं। यूजुअली पेप टेस्ट इज मेनली इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, बट देन ऑल्सो एंडोमेट्रियल कैंसर यानी गर्भाशय की दीवार का कैंसर वो आगे एक्सटेंड होके गर्भाशय के मुख तक नहीं आया है उसकी जानकारी पाने के लिए भी वो पेप टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस जी 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 जी। सो बाई दिस मेथड वी कैन गेट डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड अकॉर्डिंगली फिर उसकी ट्रीटमेंट किया जाता है। जी जी जी। मेनली उसकी तो वो भी मैम आप बताइए कि किस तरह से उसके ट्रीटमेंट की जाती है। यूजुअली एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो गर्भाशय की दीवार का कैंसर है उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसमें मेनली गर्भाशय को निकाला जाता है, हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, हिस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं, और उसके साथ साथ यूजुअली साल्पिंजेक्टोमी यानी ट्यूब भी निकाली जाती है। और डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्सटेंशन आजू बाजू के जो लिम्फ नोड होते हैं उसको भी निकालने की कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। जी जी जी। और एक बार सर्जरी हो जाने के बाद उसकी कौन से प्रकार का वो कैंसर है उसमें जो डिफरेंट टाइप्स होती है और उसका एक्सटेंशन किस प्रकार से है उसके मुताबिक फिर आगे उसको रेडियोथेरापी वगैरह देने की जरूरत होती है तो वो दी जाती है। जी जी जी। सो दिस इज इन नटशेल अबाउट द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द सब दर्शक मित्रों को, ये एक मेरी एडवाइस है कि जो हमारी महिला मतलब जो महिलाएं देख रही है उनको आप जरूर एडवाइस कर सकती है। जी या कि हर साल अपना एक बार गायनेक चेकअप जरूर करवाइए क्योंकि गायनेक चेकअप द्वारा गायनेकोलॉजिस्ट आपकी गर्भाशय के मुख और योनि मार्ग की तपास करती है और उसके मुताबिक ये वेरियस स्क्रीनिंग टेस्ट आपको एडवाइस करके, पेप टेस्ट है, सोनोग्राफी है, डिपेंडिंग अपॉन हिस्ट्रोस्कोपी, डीएनसी वगैरह जरूरत पड़ने पे एडवाइस करके आपका पूरा डायग्नोसिस कर सकते हैं। और ये एंडोमेट्रियल कैंसर भी वो आजू बाजू के एरिया में स्प्रेड होवे उसके पहले उसका डायग्नोसिस किया जाता है और अच्छी तरह से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जी जी जी। तो हम बात कर रहे थे कि गर्भाशय की दीवार का कैंसर क्या है, उसके जोखमी परिबल कौन कौन से है, किसमें वो पाया जाता है और उनके सिम्टम्स क्या है और साथ में डायग्नोसिस किस तरह से हो किया जाता है और साथ में मेन इम्पोर्टेंस इसकी उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो अनीता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इसका मार्गदर्शन दिया है। हमारी जो महिला दर्शक अगर ये कार्यक्रम देख रही है तो ज़रूर जानिए कि महिलाओं में जो विविध प्रकार के कैंसर होते हैं उसमें हमने आज जानकारी दी है कि गर्भाशय की दीवार का कैंसर उसके बारे में ये मार्गदर्शन दिया गया है। और आगे चल के बात करते हैं तो मैम और एक जो ओवेरियन कैंसर मीन्स के अंडाशय का जो कैंसर होता है उसी के बारे में भी आप हमें बताइए कि वो अंडाशय का कैंसर किसमें पाया जाता है और वो क्या है। या अंडाशय का कैंसर यानी ओवेरियन कैंसर, इट इज़ ऑल्सो सच ए नोटोरियस कैंसर कि वो बहुत लेट स्टेज में ही पाया जाता है। बहुत कम लोगों में वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, वरना जब ओवेरियन कैंसर के बारे में पता चलता है तो यूजुअली ऐसा हमने जाना है और पाया है कि इट हैज़ गॉट इन अ वेरी लेटर स्टेज। जी। अभी अंडाशय का जो कैंसर है उसके लिए हम अगर रिस्क फैक्टर्स गिने तो अंडाशय का कैंसर एक ऐसा कैंसर है को यूजुअली लेस देन 10 इयर्स की एज में भी पाया जाता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फीमेल कैंसर्स यूजुअली 40 साल के बाद में ही पाए जाते हैं, बट गर्भा ये अंडाशय का कैंसर जो है वो वेरी अर्ली एज में भी
अमुक प्रकार के जो अंडाशय के कैंसर है वो 10-15 साल से पहले की उम्र में भी पाए जाते हैं। जी एक मैं एग्जांपल याद करती हूँ कि एक लड़की मेरे पास मैं हस्बैंड इज फैमिली फिजिशियन, एक उसके पास आई थी, उसको पेन इन एब्डोमेन था खाली, यानी पेट में दर्द की कंप्लेन थी। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड को यूजुअली एज अ फिजिशियन आदत है कि हर पेशेंट को पूरा एग्जामिनेशन करने का, तो जब पेट पर हाथ रख के उसको देखा गया तो इट वॉज अ वेरी ह्यूज ट्यूमर। अभी वो लड़की को ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो देवर ऑल्सो जस्ट बस ऐसे ही थे कि अभी ये तो शायद मैं मोटी हो गई हूँ, उसकी वजह से मेरा पेट इतना बड़ा हो गया है। जी, जी, जी. और देन ही आस्क मी टू एग्जामिन, एंड मैंने एग्जामिन किया तो आई फेल्ट दैट सम एबनॉर्मल ग्रोथ इज देयर, और फिर हमने सोनोग्राफी की है और उसमें पाया गया। और फिर वो लड़की का तुरंत ट्रीटमेंट किया गया, 1-2 महीने के बाद उसकी कुछ 12th या बोर्ड की एग्जाम थी, उसने एग्जाम भी दी और अच्छी तरह से वो पास भी हो गई और अभी आगे आगे पढ़ाई कर रही है। अभी कहने का मतलब यही है कि इफ एनी दिस टाइप ऑफ एबनॉर्मल ट्यूमर, एबनॉर्मल गांठ अगर आपको कभी भी पाई जाए, इवन लड़कियों में भी, तो ऑलवेज हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। देन अंडाशय का कैंसर यूजुअली 50 ईयर्स के ओवर एज में पाया जाता है। और सिमिलरली लाइक एंडोमेट्रियल कैंसर, जो लोगों को इनफर्टिलिटी यानी कि वंध्यत्व होता है, उन लोगों में भी ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। जो लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाया है, जो लोगों में ओबेसिटी है यानी ओवरवेट जो है, जिसमें डायबिटीज़ या तो PCOD के प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में भी ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। जी, अभी अंडाशय का कैंसर का मेन एक दुखदायक बात यह है कि यूजुअली इसमें कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग या ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग एबनॉर्मली होता है तो यूजुअली दे विल कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट। बट ये अंडाशय का कैंसर ऐसा है कि उसमें ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है, सिंपल उसके सिम्टम्स अगर गिने तो देयर मे बी एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, यानी एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, एबनॉर्मल डिस्टेंशन होता है यानी कि पेट फूल जाता है। कभी कभी पेट फूलने की वजह से पेशेंट को इनडाइजेशन होता है, तो खाना पचन नहीं हो पाता है, खाना पचन नहीं होता है तो उनको डिस्कम्फर्ट रहती है। और यूजुअली मैंने जैसे बोला कि अंडाशय के कैंसर यूजुअली लेटर एज में ही पाए जाते हैं, तो अंडाशय के कैंसर में लेटर एज में यूजुअली SITs होता है, यानी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है, उसको SITs बोला जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अंडाशय के कैंसर लेटर एज में जब पेट में पानी भर जाता है तभी लोगों को पता चलता है और तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। एंड इसमें भी वेट लॉस कॉमनली पाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि यूजुअली हम जैसे हमने बताया कि ये 40-50 साल के बाद ही यूजुअली होता है, तो दैट इज ऑल्सो द नियर एज ऑफ पेरीमेनोपोज एंड मेनोपोज। सो मोस्ट ऑफ द फीमेल ऐसा सोचते हैं कि अभी मैं मेनोपोज में जा रही हूँ तो उसकी वजह से मेरा पेट बड़ा हो रहा है, ये मेरा फैट डिपोजिशन होता है इसीलिए मेरा वजन बढ़ रहा है। बट पेट में जब पानी भर जाएगा, टक-टक ऐसा लगेगा, तभी उनको ऐसा होता है कि अभी हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे नोन हमारे केस है, इवन डॉक्टर्स भी, कि जिसमें यूजुअली हम डॉक्टर्स दूसरों को सलाह देते हैं, पण આપણા માં જે ભી કહેવત છે ને યામિની કે ડાઈ સાસરે જઈને ગાંડીને શીખામાં આપે, તેવી રીતે મોસ્ટ ઓફ ધ ડોક્ટર્સ આર ઓલસો નોટ ટેકિંગ કેર ઓફ ધેમસેલ્વ્સ ઇન ધ બિઝી પ્રેક્ટિસ ઓર ધર ફેમિલી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द फीमेल्स दैट दे शुड टेक केयर ऑफ देम। तो अंडाशय के कैंसर में जब तक इतना लेट स्टेज में पहुंच जाता है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट भी इतनी एक्सटेंसिव हो जाती है और उसके सक्सेस रेट भी कम होते हैं। बट देन ऑल्सो ड्यू टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज जब भी ये ऐसे बहुत सारे हमारे जाने माने लोग हैं जिनमें ओवेरियन कैंसर इवन लेट स्टेज में भी डिटेक्ट हुआ और बहुत अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट दिया गया है और दे आर जस्ट लिविंग क्वाइट गुड लाइफ। बट मेरी और उसके फिर डायग्नोसिस करने के लिए सिमिलरली से पहले जो हमारी बात थी कि उनके जो जोखमी परिबल कौन कौन से है वो मैंने बताया आपके ऑलरेडी, जैसे वंध्यत्व जिसमें होता है, ओबेसिटी होती है, वो ही है। जी, तो अभी हम बात करेंगे कि उसकी, हमने जोखमी परिबल भी बात कर लिए,
सिम्टम्स भी क्या है वो भी हमने बता दिया है, और ये अंडाशय डायग्नोसिस। का जो कैंसर है वो किस में पाया जाता है वो भी हमने बता दिया है। तो अभी हम बात करेंगे कि उसकी डायग्नोसिस कैसे होती है और ट्रीटमेंट क्या है इसकी। राइट। अभी जी अंडाशय का कैंसर मोस्टली डायग्नोज सोनोग्राफी के द्वारा होता है, और सर्टन ब्लड एग्जामिनेशन जैसे CA-125 इस प्रकार के दूसरे जो लेवल्स हम मेजर करते हैं उसके जी द्वारा हम उसके लिए सस्पेक्ट कर सकते हैं। जी तो यूजुअली सोनोग्राफी जो करते हैं उसमें पर एब्डोमेन सोनोग्राफी करने में गर्भाशय के साथ साथ जो उसके दोनों बाजू अंडाशय होते हैं, तो अंडाशय में कोई ग्रोथ हो या कोई जी सिस्ट हो, जी दूसरा कोई एडेजन हो, वो सब हम सोनोग्राफी के द्वारा उसकी जानकारी हमको मिल सकती है। और साथ साथ में अगर पेट में पानी भरा हो, जैसे हम हमारी भाषा में उसको असाइटिस बोलते हैं, तो वो भी सोनोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट होता है। जी और अकॉर्डिंगली फिर उसका डायग्नोसिस के बाद में उसको जब ऑपरेशन करके पेट खोल के उसका जो इलाज किया जाता है उसमें वो ट्यूमर किस प्रकार का है, उसकी जी कौन से प्रकार की स्टेज है, वो डिसाइड की जाती है और अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो उसकी जी ट्रीटमेंट में भी गर्भाशय अंडाशय के साथ जो गांठ होती है उसको निकाला जाता है। सर्जरी के द्वारा जो कुछ जरूरी होता है वो सब एक्सटेंशन के मुताबिक उसकी सर्जरी की जाती है। और जी सर्जरी के बाद में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द कैंसर आगे कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी दी जाती दी है। जाती है। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द एंडोमेट्रियल कैंसर एंड जी ओवेरियन कैंसर। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी फीमेल दैट आफ्टर द एज ऑफ 35-40 ऑलवेज साल में एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपना चेकअप करवाइए। वो जैसे सलाह दे उस तरह से पैप टेस्ट करवाओ, जी सोनोग्राफी करवाओ, और इसमें कभी भी हेजिटेट मत होइए कि डॉक्टर हमको ये बताएंगे तो आगे फिर हम क्या करेंगे, क्या निकलेगा। ऐसे डरने से पहले अगर हेजिटेशन के बिना आप डॉक्टर को कंसल्ट करके आपका रूटीन चेकअप करवाते रहेंगे तो आप बहुत सारे कैंसर से बच सकते हो। और अगर मान लो बहुत अर्ली स्टेज में आप उसके विक्टिम बन गए हो तो जी उसका इलाज अच्छी तरह से करवा सकते हो बिल्कुल और सही अपनी बात है, लाइफ अच्छी तरह से जी जी सकते सकते हो। हैं। जी अनीता जी, बहुत ही अच्छी तरह से आज हमने जो हेल्थ अवेयरनेस हमारी जो सीरीज़ है उसमें जो कैंसर के बारे में हमने मार्गदर्शन दिया है, और महिला है, महिलाओं का ही ये कार्यक्रम था, महिलाएं ही हमारी देख रही है कि जिस तरह से कैंसर होता है सब लोग डर जाते हैं कि कैंसर हो गया है, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, लेकिन कैंसर की बात जब आती है तब लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये यहाँ से जो सीरीज़ हो रही है, यहाँ से जो हमारे चैनल के द्वारा जो कार्यक्रम दिखा रहे हैं हम, इसीलिए आपको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से आपको किसी भी प्रकार की सिम्टम्स हो, या तो महिलाओं को आफ्टर 40 या 50 के बाद एक बार गायनेकोलॉजिस्ट अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको दिखा देना चाहिए। अगर कुछ भी आपको लगे ऐसा तो ज़रूर आप दिखाइए, और अपनी हेल्थ को मतलब स्वस्थ रहे और सुखी रहे ऐसे ही हम चाहते हैं। और अनीता जी, लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूँगी यामिनी कि जिस तरह हम हर साल अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह हर साल एक बार अपना हेल्थ चेकअप स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर करवाइए। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली हिस्ट्री, आपका शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका थायराइड प्रॉब्लम, वो भी रूटीनली फिजिशियन द्वारा चेकअप करवाना ज़रूरी ही है। पर ये जो कैंसर्स इतने आजकल पाए जाते हैं, तो अगर वो बहुत अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्शन उसका हो जाए तो हम उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ हम स्क्रीनिंग मेथड द्वारा बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपका, और ऐसे ही आप अवेयरनेस कार्यक्रम हमारे चैनल के द्वारा आप दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे ही एवरी फ्राइडे 9 PM हमारा हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ का ये टाइम है, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो बीमारियाँ होती है उसमें कैसे केयर करना चाहिए, किस
किस तरह से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और किस तरह से सिम्टम्स होते हैं वो भी हमने आपको यहाँ से आज बता दिए है, जो कैंसर के बारे में ये सीरीज़ थी। और नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही और अच्छे वैक्सीन, जो अभी वैक्सीन के लिए बहुत ही ऐसी बातें चल रही हैं कि वैक्सीन से ये होगा, वैक्सीन से ये प्रॉब्लम होगी, हमको एलर्जी हो सकती है, हम ये नहीं ले सकते हैं, इससे नुकसान हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें वैक्सीन को लेके अभी बातें चल रही है। तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम ये एपिसोड जो हमारा रहेगा लाइव सेशन, वो वैक्सीन के ऊपर रहेगा कि वैक्सीन किन लोगों को लेनी चाहिए, किस तरह से, मतलब ऑल फीमेल वैक्सीन, नॉट ओनली कोविड। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। कोविड की वैक्सीन की तो बात अलग ही है, अभी सबको बहुत वो तो पता है, पता ही है। जी जी जी, लेकिन महिलाओं के लिए कौन सी वैक्सीन उपयोगी है, कौन सी नहीं है, उसी की जानकारी हम देंगे यहाँ से। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हेल्थ अवेयरनेस सीरीज में ज्वाइन होइए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हमारे साथ है, अगर आपकी कोई पर्सनल ऐसी कोई बात है कि जो आप नहीं शेयर करना चाहते, नहीं शेयर कर सकते हैं, जो शेयर कर सकता है वो ज़रूर, क्वेश्चंस भी अगर आपके कोई है मन में तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और पर्सनल अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो हमारे मैसेंजर में मैसेज करके भी आप बता सकते हैं, तो आपके भी प्रश्नों के हल हम यहाँ से करेंगे और प्रश्न के जवाब भी हम दे सकते हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रम के साथ हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, वेबसाइट एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करिए और देखते रहिए ऐसे ही मार्गदर्शन के कार्यक्रम। नमस्कार, नमस्कार।